जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे इस कोविड के सेशन में। आज की वीडियो जो है वो रैम्बो जो कूलर मैंने लिया था महाराजा की, उसमें आपको जो विंडोज होती है उसके ऊपर घास कैसे लगाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि जो लोहे वाले जनरली आप कूलर्स यूज करते हैं उसमें घास लगाना काफी आसान होता है, बट ये जो प्लास्टिक वाले कूलर्स आते हैं इसमें थोड़ी से टिपिकल्स हो जाते हैं बिकॉज सबके प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। तो आज मैं डिटेल्ड आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आप ओपन करोगे, किस प्रकार से आप अपने घास को लगाओगे, कैसे घास होने चाहिए और क्या क्या चीजें होंगी जिसको आपको ध्यान में रखना है घास को लगाते समय। क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है और अगर एक भी पार्ट उसका मिस हुआ, टूटा, तो फिर वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो एक नोटिफिकेशन आइकन होगा उसको क्लिक कर लें, जो भी नोटिफिकेशन होगी हमारी वीडियोस की आपको हमेशा मिलती रहेगी और इसी प्रकार से आप हमारी फैमिली से जुड़ते जाइए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से आप अपने घासों को बदलेंगे कूलर के। तो दोस्तों ये है मेरा कूलर जिसके ऊपर आज घास लगानी है और इसमें का जो नया मैंने मंगवाया था उसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी, जो यहाँ लगाया हुआ है देख सकते हैं आप। और अब तक अगर आपने नहीं देखी इसकी अनबॉक्सिंग तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। अभी दिखाएंगे कि इसको खोल के निकाला कैसे जाता है, ठीक है। ये मेरे चाचा जी हैं जिनको आप याद होगा आपको, चाचा हाय बोल दीजिए। हाय। तो अभी ये एक में लगा रहे हैं, क्योंकि ये रैम्बो का नहीं है और ये दूसरी कंपनी का हम लेकर आए हैं। रैम्बो का काफ़ी महंगा था और सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप इसे खुद से लगा लें और आपको 1000 रुपया ना देना पड़े। यदि आप कंपनी से बुलवा कर लगवाएंगे तो वो आपको 1000 से 1200 रुपये का खर्च आएगा, तो उतना देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका साइड डोर देखने में कुछ ऐसा लगता है, देख सकते हैं आप सभी लोग, पूरी प्लास्टिक की बॉडी है ये और हार्ड प्लास्टिक है। और ये हमारा सबसे पहला कूलर था महाराजा कंपनी का जो हमने लिया था, इसे मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया है इसके बारे में। और ऊपर ही यहाँ पे नट दिया होता है जिसे आपको खोलना है दोनों साइड का, उसके बाद इसे हल्का सा ऊपर करेंगे तो ये साइड का निकलने लगेगा। जैसे अभी ये मैं लगा रहा हूँ तो ऐसे ही आपका लगा होगा, आप इसे बस हल्का सा उठाइएगा तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप निकाल कर आप इसमें घास को लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दूसरी कंपनी का घास है तो इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है, तो चाचा ने उसे कट किया इसके साइज में और देखिए उसे सिल रहे हैं। इस प्लास्टिक का लगा होना बहुत ज़रूरी है, जाली जो लगी हुई है, बिना इसके इसमें वो घास जो है वो संभलेगी नहीं और वो गिर जाएगी नीचे। लोहे में जो दिया होता है जाली लोहे का वो इसमें नहीं है, तो इसमें ये वाली जाली लगी होनी चाहिए प्लास्टिक वाली। देख सकते हैं सिल गया है। सिल जाने के बाद इसे बराबर कर लें। उसके बाद जो वेस्ट बचती है एक्स्ट्रा आपकी जो जाली है उसे कट कर लें, ये आपको बाद में काम आ सकती है कहीं किसी और यूज में, तो इसे फेंकेगा मत, सुरक्षित रख लीजिएगा। और घास इसकी काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है और ये मुझे सिर्फ 300 रुपये का पड़ा है मार्केट में। किस कंपनी का था चाचा? ये बजाज कंपनी के कूलर का है ये घास है। देखिए अब ये साइज का हो गया, पूरा ढका रहेगा तो बाहर से इसमें क्या है कि जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं या मच्छर आते हैं वो कूलर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा बाहर से। जी हाँ, सेफ्टी के लिए रहती है, जाली इसकी लगी रहती है। अच्छा, तो जाली का यूज़ इसलिए होता है ताकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं बाहर से और गंदगी होती है ना, वो आपके कमरे तक ना आए या फिर कूलर के अंदर ना जाए, तो जाली उसे अच्छे से रोकता है और ठंडा बनाए रखता है रूम को। ये देखिए ये जाली है,
जो इसे कवर कर देगा। कितने साल हो गए चाचा कूलर को? 8 साल हो गए। 8 साल हो चुके हैं और 8 साल में ये शायद तीसरी या चौथी बार हम लोग घास बदल रहे हैं। पहला वाला जो घास था काफी लंबे समय तक चला था। बीच के नट को आप कस लीजिएगा और ये सारे हुक आपके दिए हुए हैं, सिर्फ आपको इस छेद में फंसाते जाना है और देखकर सही से फंसाइएगा ताकि ये टूटे ना, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी है तो ये टूटने का काफ़ी डर होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको जब आप दबा रहे होंगे। तो पिलास का यूज़ क्यों कर रहे हैं चाचा? का जो लॉक है इसको बैठाने के लिए। तो नए में भी ऐसी दिक्कत आती है कि पुराने में भी? पुराने में दिक्कत आती है, नए में नहीं आएगी। ठीक है, तो जब पुराना आपका कूलर हो जाएगा तो ऐसी कुछ दिक्कतें आएंगी? इसमें हार्ड हो गया है प्लास्टिक, प्लास्टिक हार्ड हो जाएगी तो लॉक अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आपको तोते की आवाज आ रही होगी। तो ये देखिए, ये हमारा तोता है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो तू हाय बोल। और इसे एक बार दबा दीजिएगा ताकि एडजस्ट हो जाए जो घास है अपने जगह पे। ये देखिए, ये पूरा फिनिश हो गया। इसमें कहीं से भी बाहर से भी जो धूल आएगा इस पर चपक जाएगा और बाहर जितने कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि कहीं से भी ये खाली नहीं है, एकदम पूरा पैक है। इसी प्रकार हम सारा लगा देंगे लगे। सो एक फिनिश हो गया और इसी तरह के बाकी जो दो हैं हमारे उसे हम लगाएंगे। अब देख लीजिए निकालते कैसे हैं। निकालने के लिए इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, ये दो पेंच कसे रहते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे। थोड़ा तेज बोलिए। दो पेंच कसे रहते हैं, एक यहाँ पेंच है एक यहाँ पेंच है, दोनों को खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको ऊपर ढक्कन को ऊपर उठाएंगे, इसको साइड में से पीछे फिर खींच के ढीला कर लेंगे और ये आराम से निकल जाएंगे। अब इसे जैसे पहले घास लगाया था वैसे घास इस पर फिर से लगा लेंगे। ब्रश की सहायता से इस पर जमे हुए धूल को साफ कर लें ताकि गंदगी हट जाए। तो देखिए, अब ये तीसरा जो अंतिम बचा है उस पर भी अब लगाने जा रहे हैं। दो बंके तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं अब ये कंप्लीट हो गया। चलिए बोलिए। इसको साइड साइड में फिट करेंगे, साइड में जिससे निकला रहता है उसको साइड में लगाते हैं, उनके पकड़ने के काम आता है। यहाँ ब्लॉक होती है, इस ब्लॉक को हम अंदर करेंगे। बस थोड़ा सा लॉक को आपको ध्यान देना है ताकि लॉक पे फंस जाए, और जबरदस्ती मत कीजिएगा नहीं तो टूट भी सकता है। लगा देंगे।
दूसरा इधर से हम लगाएंगे, ये भी साइड के देख के, क्योंकि पकड़ने काम आता है, इसलिए इसको साइड साइड में लगाएंगे, जिससे कि कंफ्यूजन भी ना हो कि लेफ्ट का है कि राइट का है। फिर उसी तरह यहाँ पर भी एक लॉक है, ये लॉक इसको हटा देंगे। और इसको हम पीछे लगा देंगे। अब आपका ये लग के रेडी, और उसके बाद ये दो पेज कैसा होता है ऊपर। अब यहाँ की जो दो पेच हैं उसे आप लगा देंगे, ये फाइनल हो जाएगा। इसमें यहाँ पे पेच कस देंगे और ये हमारा घास कंप्लीट। इस प्रकार से आपके कूलर की जो घास है, यानी कि जो विंडोज की घासें हैं, वो बदल गई। पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई चारों तरफ, और अब देखिए ये कैसी हो गई देखने में, पहले कैसी लग रही थी और अब। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।